हमारी एलिफेंट फैमिली की मैट्रियार्क की जिंदगी में सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक डोमिनेंट मेल नदी के किनारे से मिलने आया और इसने खुद को पूरी तरह से उसे सौंप दिया। इस महीने बाद कालाहारी के टेंपरेरी स्वाम्प्स के बीच इसका बेबी एलिफेंट पैदा हुआ। वो मेल था, इस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर। इसकी मां और दूसरी फीमेल्स ने कई महीनों तक इसका ख्याल रखा और इसे बहुत कुछ सिखाया। खेल खेल में इसने बहुत कुछ सीखा और जाना कि तीन बहनों में इसकी पोजीशन क्या है। एक दिन आसमान में माइग्रेटरी बर्ड्स के नजर आने से यह साफ हो गया कि रेनी सीजन खत्म हो गया है। हर तरफ पानी का लेवल कम हो गया। बुटेटी रिवर का ये स्वर्ग हर साल की तरह नर्क में बदल गया। मैट्रियार्क को सूखे की वजह से सवाना को छोड़कर जाना पड़ा। एक लंबा और मुश्किल सफर शुरू हो चुका था। एक वाटरहोल के बाद दूसरे वाटरहोल तक का ये सफर इन्हें 450 किलोमीटर दूर ले जाएगा। 4 महीनों तक ये उस पुराने रास्ते पर चलते रहे जो मैट्रियार्क की मेमोरी में छपा हुआ है। मैट्रियार्क स्मेल और साउंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रही और सब दिन रात इसके पीछे चलते रहे। आखिरकार ये फैमिली एक वाटर होल पर पहुंची। इसी के साथ बेबी एलिफेंट के सफर का पहला फेज पूरा हुआ। अपनी सिस्टर्स से प्रोटेक्टेड इस बेबी ने मड बाथ के एंसेस्ट्रल आर्ट के बारे में जाना। रात के अंधेरे में एलिफेंट्स एक अनहोनी को होने से नहीं रोक पाए और अपनी एक साथी को खो दिया। खुशी के पलों, मुश्किल घड़ियों और सरप्राइजेस से भरा यह सफर जारी रहा। आधा सफर तय कर लेने के बाद ये एलिफेंट फैमिली चोबे रिवर पर पहुंचने में कामयाब रही। सिर्फ यही एक रिवर है जिसमें ड्राई सीजन के बीच में भी पानी बह रहा है। ये सर्वाइवल की उम्मीद है, एक डूबती हुई उम्मीद। रात भर नींद न आने के बाद भी एलिफेंट्स एक बार फिर चल पड़े हैं। आगे एक और रुकावट आने वाली है। ये एक बार फिर एक फ्लडेड एरिया में पहुंचे हैं जहां इन्हें नदी के सबसे गहरे हिस्से को तैर कर पार करना होगा। पानी का करंट बहुत तेज है। मैट्रियार्क अपने बच्चे का पूरा ध्यान रख रही है। इसे तैरना आता है, फिर भी मां का फर्ज बनता है कि ये इसकी हेल्प करे, इसे शांत रखे। सबसे छोटे एलिफेंट्स को झुंड के बीच में रखा जाता है। अडल्ट्स से घिरे होने की वजह से वो सबसे तेज करंट से भी बच जाते हैं। बेबीज वाली सारी मदर्स इकट्ठी होकर एक दूसरे की हेल्प करती हैं।
हमारे बेबी एलिफेंट ने अपनी बड़ी बहन की मदद से नदी को बहुत बहादुरी से क्रॉस किया है। वो हर कदम पर इसके साथ रही है। आखिरकार पूरा झुंड किनारे पर पहुंच गया है। हालांकि इन्हें पानी और जमीन की इस भूल भुलैया से निकलने में पूरा दिन लग गया है। ये दोनों जवानी के हसीन पलों को एंजॉय करने के लिए वहीं रुक गए हैं। यहां पर इतने सारे एलिफेंट्स की मुलाकात होती है कि प्यार हो ही जाता है। ये यंग फीमेल इमोशन से भरी हुई है। इसके कानों और आंखों के बीच टेम्पल्स पर मौजूद ग्लैंड्स में से आंसुओं जैसा एक लिक्विड निकलता है। टूटे हुए टस्क वाले बूढ़े पेट्रियार्क के लिए यह सफर यहीं खत्म हो जाता है। यह उस एज में पहुंच चुका है कि अब इसके लिए पानी में पाए जाने वाले नरम पौधों के अलावा कुछ भी खा पाना इम्पॉसिबल हो गया है। कुछ हफ्तों बाद जब पानी खत्म हो जाएगा, ये कमजोर और थका हुआ एलिफेंट घास में लेट जाएगा। धीरे धीरे ये मड के नीचे दफन हो जाएगा। वो इसकी आखिरी मड बात होगी। इन स्वाम्प्स में इतने सारे एलिफेंट्स मर चुके हैं कि जब 19th सेंचुरी के ट्रैवलर्स को यहां पर आइवरी के ढेर मिले तो उन्होंने एलिफेंट्स की उस कहानी पर विश्वास कर लिया जिसके मुताबिक एलिफेंट्स का एक कब्रिस्तान है जहां वो मरने के लिए जाते हैं। गांव की रोशनियों से दूर मेट्रियार्क ने एक अलग रास्ता चुना है। ये रास्ता थोड़ा लंबा जरूर है पर ये इसके बेबी के लिए ज्यादा सेफ होगा। ग्रुप की प्रोटेक्शन में अपनी मां और बहनों के बीच में रहकर वो नदी के इस आखिरी हिस्से को बहादुरी से तैरकर पार करता है। नदी पार करने के बाद बुरी तरह थक कर भी ये आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही इसका सामना एक ऐसे अजीब क्रीचर से होने वाला है जो प्रीहिस्टोरिक टाइम का लगता है। स्केली एंटी हमारा बेबी एलिफेंट अपनी मदर के पास वापस आ गया है। ये बहुत हिम्मत दिखाते हुए सबके साथ आगे बढ़ रहा है। सिर्फ चांद और तारों की रोशनी में हम पहली बार देख पा रहे हैं कि इन जानवरों में कितना स्टैमिना होता है जो लगभग कभी नहीं सोते। साल के इस महीने में घास में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसलिए हर रोज मेट्रियार्क के 20 घंटे सिर्फ खाने में निकल जाते हैं। ऐसे बेरहम मौसम में वक्त की ये बर्बादी बहुत महंगी पड़ सकती है। अगले दिन बुरी तरह थका हुआ बेबी सो जाता है। इसकी मां भी सो रही है। ऐसी गर्मी में थोड़ी देर का ब्रेक किसे अच्छा नहीं लगता। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अडल्ट्स ने खड़े रहकर सोना सीख लिया है जबकि बच्चों को सोने के लिए लेटना पड़ता है।
दोपहर में जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, पूरे झुंड को आराम की जरूरत है। पर मेट्रियार्क फिर से चलने का सिग्नल दे रही है। बेबी एलिफेंट की बहन उसे अपने पैर और सूंड से हिलाकर जगाने की कोशिश करती है। यह भी नींद में है और इसे भूख लगी है। मेट्रियार्क आगे बढ़ना चाहती है, पर इसे पता है कि उससे पहले इसे अपने बेबी को फीड करना होगा। अब तक एलिफेंट्स 350 किलोमीटर चल चुके हैं। अब इन्हें अपनी मंजिल के आखिरी 150 किलोमीटर तय करने के लिए ईस्ट की तरफ जाना होगा। मेट्रियार्क को याद है कि इनके रास्ते से हटकर एक नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। अगर ये रात भर चलते रहे तो वहां पहुंच जाएंगे। आज बेबी एलिफेंट को पहली बार अपनी उम्र के साथी के साथ खेलने का मौका मिला है, और जैसा कि यंग एनिमल्स अक्सर करते हैं, ये झूठ मूठ की लड़ाई कर रहे हैं बड़ों की तरह। एलिफेंट्स का सोशल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये मड बाथ्स दूर के रिश्तेदारों से मिलने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। एलिफेंट्स अपने कजिन्स के साथ कई घंटे कीचड़ में नहाने का मजा लेते हैं। यंगस्टर्स यहां पर कई घंटे बिता सकते हैं। इन्हें मड में खेलते हुए फैमिली बॉन्ड्स को मजबूत करना अच्छा लगता है। पर मेट्रियार्क की नजर हमेशा टाइम पर रहती है। ये सबको एक बार फिर से चलने का सिग्नल देती है। बेबी एलिफेंट के कुछ नए फ्रेंड्स बने हैं, पर अब इसे इन्हें छोड़कर जाना होगा। ये इनको पूरी जिंदगी याद रखेगा। एक अडल्ट एलिफेंट दोबारा मिलने पर 200 से भी ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को पहचान सकता है। सूरज के निकलने के साथ ही दूर हराइजन पर कुछ जंगल दिखने लगे हैं। वो बहुत बड़े हैं और हरे भरे हैं। पर इस झुंड को एक और झटका लगने वाला है। जिस वक्त मेट्रियार्क और इसकी फैमिली जंगल में दाखिल हो रहे हैं, इन्हें सिर्फ बर्ड्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक चीज जिसकी आवाज और खुशबू आनी चाहिए, वो गायब है। वो नदी सूख चुकी है। जहां पर बहता हुआ पानी होना चाहिए था, वहां सिर्फ रेत और पत्थर है। मेट्रियार्क जमीन की आवाज सुनने की कोशिश करती है, पर इसे कुछ फील नहीं हो रहा। न शोर है, न जमीन के नीचे बहता हुआ पानी। इस मुसीबत से अनजान बेबी एलिफेंट ने एक नया खेल ढूंढ लिया है, पेड़ों के पत्तों को तोड़ने की कोशिश करना। जिस वक्त ये जंगल की तरफ बढ़ रहे थे,
इसकी माँ को अंदाजा हो गया था कि नदी सूख चुकी होगी, क्योंकि इस बार सूखा जल्दी आ गया है। कुछ और आगे चलने पर मैट्रियार्क को कुछ और एलिफेंट्स के ट्रैक्स नजर आए हैं। वो यहां से पहले ही जा चुके हैं और अपने पीछे कुछ होल्स छोड़ गए हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है, पर इसकी सेंस ऑफ स्मेल इसे कभी निराश नहीं करती। यहां पर रेत के नीचे पानी है। ये सब के सब बहुत प्यासे हैं। मैट्रियार्क और गहराई तक खोदने की कोशिश करती है। जल्दी ही इसके बच्चे अपनी अपनी बारी के हिसाब से पानी पिएंगे। सबसे छोटा सबसे पहले। प्यास से मर रही इसकी 12 साल की बहन लाइन तोड़कर आगे आती है। मैट्रियार्क इसे इस बदतमीजी के लिए डांटने में देर नहीं करती। आज की ये सीख उसे जिंदगी भर याद रहेगी। एलिफेंट्स के झुंड में कोई रूल नहीं तोड़ सकता और मैट्रियार्क की बात सभी को माननी पड़ती है। इस पर सबका सर्वाइवल डिपेंड करता है। बेबी एलिफेंट इतना ऊंचा हो गया है कि जल्दी ही ये अपनी मां की बेली के नीचे फिट नहीं होगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिलहाल दूध पूरी तरह सूख चुका है। एक जिद्दी एडोलेसेंट, एक थका हुआ बेबी और एक मां जो इतनी थकी हुई है कि अपनी बड़ी बेटी के सहारे खड़ी है। ये चुपचाप रात की ठंडक का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने सफर को जारी रख सकें। रात के अंधेरे में मैट्रियार्क पानी की खुशबू को फॉलो करती हुई अपने झुंड को और आगे ले जा रही है। ये वही जगह है जहां पर 2 साल पहले इसने अपनी बेबी को कंसीव किया था। हालांकि ये बेबी बहुत बुरी तरह थक चुका है, ये अब भी जिंदा है और झिझकते हुए ही सही रात के अंधेरे में जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है। रास्ता बहुत खराब है, पर यहां पर पानी है, वो भी बिल्कुल साफ। एलिफेंट्स अपनी ट्रंक की टिप्स से सूंघकर पानी ढूंढते हैं।
नदी की तलाश में पेट्रियार्क भी यहां पहुंच चुका है। वैसे तो ये अपने लिए एक मेटिंग पार्टनर ढूंढ रहा है, लेकिन इसके आसपास होने से मेट्रियार्क और उसके बच्चे शिकारियों से सेफ फील कर सकते हैं। ये पेट भर के पानी पी चुके हैं और अब ईस्ट की तरफ जाने के लिए तैयार हैं। क्या इस पेट्रियार्क को पता चला कि इसका बेटा अभी इसके पास से ही गुजरा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके रास्ते अलग हैं। इसे बड़े होने तक अपनी मां के पास ही रहना है, उसी के साथ चलना है। इन बबून्स को रात में चलने वालों से कोई मतलब नहीं। ये शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों के ऊपर रहते हैं। ये डरपोक होते हैं, अंधेरे तक से डरते हैं और ऐसी आवाजें निकालकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। दो महीने बीत चुके हैं और इस बेरहम गर्मी में कहीं एक बूंद पानी भी नहीं है। वल्चर्स इस इलाके में चक्कर लगा रहे हैं। इस मैरबू को कुछ दिखाई दिया है, पर वल्चर कहीं ज्यादा फुर्तीले हैं और सीधे लाश के ऊपर बैठते हैं। ये एक एलिफेंट है जो अपने झुंड से अलग हुआ और फिर थकावट की वजह से मर गया। ऐसे वीराने में जंगल में अकेले चलना बहुत महंगा पड़ सकता है। ड्राई सीजन के दौरान बिग गैट्स, चाहे वो ऐसे प्यारे छोटे कब्ज हो या ताकतवर और खूंखार अडल्ट्स हो, सवाना में इन्हीं का राज जलता है। हमारा बेबी एलिफेंट अब भी जिंदा है। इसका वजन घट गया है और ये थका हुआ है, पर इसकी अच्छी देखभाल हो रही है और ये प्रोटेक्टेड है। इसे भी पानी की खुशबू आ गई है। ये अकेला नहीं है, यहां कई फैमिलीज पहुंच रही हैं और पानी को देखकर खुद को दौड़ने से रोक नहीं पा रही। ये सब अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। छोटा बेबी अपने झुंड के पीछे या खास तौर पर अपनी मां और दो बहनों के पीछे चल रहा है। ये इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर यहां पर जिंदा रहना है तो साथ में रहना होगा। पर लायंस ने हमला करके झुंड की एक मेंबर को गिरा दिया है। डरी हुई एक बहन पास जाने की कोशिश करती है, पर फिर रुक जाती है। वो दम तोड़ रही एलिफेंट इसकी बड़ी बहन है। मेट्रियार्क उलझन में है, हमला करे या रुके। पूरी फैमिली शॉक में है। इसे ये समझना होगा कि ये अपनी बच्ची को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। ये अपनी फैमिली को सेफ जगह पर ले जाती है। ये वाटरहोल जो कभी सूखे से राहत दिलाया करता था, अब हमेशा एक दर्दनाक घटना की याद दिलाता रहेगा। लायंस इस लाश को कई दिन खाते रहेंगे। साल के इन महीनों में ये सच में सवाना के किंग्स होते हैं। अब इस गर्मी को सहना मुश्किल हो रहा है, पर ये मेट्रियार्क फिर भी पहले से बहुत धीरे से ही आगे बढ़ रही है। सूखे ने पूरे जंगल की सारी लकड़ी को सुखा दिया है। कुछ बबून्स के अलावा, जिन्हें एलिफेंट से कोई मतलब नहीं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। बेबी एलिफेंट और इसकी सिस्टर अपनी मदर के बिल्कुल साथ चल रहे हैं। ये अपनी सबसे बड़ी बेटी की मौत से घबराई हुई है, पर इसे फिर भी इस थकाने और कभी न खत्म होने वाले सफर को जारी रखना होगा।
बेबी एलिफेंट को नहीं पता कि इनकी मंजिल क्या है, पर इसकी माँ अच्छी तरह जानती है कि इन्हें कहाँ पहुँचना है। इसे मालूम है कि आगे ईस्ट में इतने भयानक सूखे के बावजूद अब भी बहुत सारे वाटर होल्स हैं। आधी रात में हाइनास देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। मैट्रियार्क को उनके बारे में पता चल गया है। जल्दी ही इसका बाकी का क्लैन इसे ज्वाइन करेगा। ये वाटर होल के पास इकट्ठा हो रहे हैं और मैट्रियार्क ने सोच लिया है कि आज ये हाइनास की एक नहीं चलने देगी। पर एक बार फिर पानी गर्मी में इवेपोरेट होकर गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी इन एलिफेंट्स को ये रात इस सूखी जमीन पर हाइनास की डरावनी आवाजों के बीच गुजारनी पड़ेगी। और भी फैमिलीज आती हैं। इन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि यहां और ज्यादा तकलीफों के अलावा कुछ नहीं। नई फैमिलीज के आने की वजह से मैट्रियार्क अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। पर छोटा एलिफेंट बहुत तकलीफ में है, लंगड़ा कर चल रहा है। इसकी फैमिली इसका ध्यान रख रही है और जहां तक हो सके इसका हौसला बढ़ा रही है। हमारी मैट्रियार्क खुद को डस्ट से ढक लेती है। अपनी सनबर्न स्किन को राहत पहुंचाने का यही एक तरीका है। बेबी उसकी नकल करने की कोशिश करता है। उसके पीछे एक जख्मी एलिफेंट और उसकी माँ बुरी तरह से थके हुए लग रहे हैं। वो बेबी लेट गया है और ऐसा लग रहा है कि अब कभी नहीं उठेगा। एलिफेंट्स सूखे हुए तालाब के चक्कर लगाते हैं। उनके बीच ये छोटी फीमेल है, बिल्कुल अकेली। लगता है ये गुम हो गई है, पर इसका इरादा साफ नजर आ रहा है। ये अनाथ है और चाहती है कि कोई इसे गोद ले ले। अडल्ट्स इसे इग्नोर करते हैं, कुछ ने इसे दूर भगा दिया है। हमारा बेबी एलिफेंट खेलने के इरादे से उसके पास जाता है, पर इस बेचारी अनाथ में खेलने के लिए ताकत नहीं बची। ये पागलों की तरह एक नई मां ढूंढ रही है जो इसका ख्याल रखेगी। तकलीफ की कोई खुशबू तो होती होगी जिसे शिकारी आसानी से सूंघ लेते हैं। इस लेपर्ड ने उस छोटी अनाथ को देख लिया है। अगर ये इस पेड़ के नीचे से निकली तो वो इस पर कूद जाएगा और इसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये अनाथ मैट्रियार्क से भीख मांगती है कि वो इसे प्रोटेक्ट करे। पर ये मां बहुत थक चुकी है। इस पर पहले ही अपने बच्चों को गाइड और प्रोटेक्ट करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ये मना करने लगती है। वहां लेपर्ड छलांग मारने के लिए तैयार है। मैट्रियार्क वापस आती है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। दोनों एलिफेंट्स गहरी सोच में डूबे हैं, जबकि लेपर्ड अब भी पेड़ पर है और देख रहा है नीचे क्या हो रहा है। कोई भी अच्छी मां एक अनाथ को ठुकराकर उसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती, पर इसे गोद लेने से इसके अपने बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है। मैट्रियार्क एक बार फिर चल पड़ती है, पर इरादे की पक्की वो छोटी फीमेल उसके पीछे चलने लगती है। मैट्रियार्क ने अपनी स्पीड कम कर दी है ताकि अनाथ बेबी उसके साथ चल सके।
आज रात से इस फैमिली में एक और मेंबर होगा। अब इस लेपर्ड को अपनी किस्मत कहीं और आजमानी होगी या फिर खाली पेट सोना पड़ेगा। ड्राई सीजन अपनी पीक पर है और वो सिर्फ रात का वक्त ही है जो एलिफेंट्स को दिन की तेज गर्मी से बचाता है। यहां कुछ दूसरे जानवर हैं जो अकेले घूमते हैं। इन्होंने अपने सीक्रेट होल्स से निकलने से पहले झुंड के आगे जाने का इंतजार किया है। ये एक आर्डवॉक है और इसका नाम जितना अजीब है उतना ही इसका जीने का तरीका। ये अपने तेज पंजों और लंबी चिपचिपी जीभ से टर्माइट्स को बाहर निकालता है। इसे सिर्फ तारों की रोशनी में दिखाई देता है और इसकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी अच्छी है कि ये अपने शिकार को कई सौ मीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। माना जाता है कि ये एक ही रात में 50,000 से ज्यादा इंसेक्ट्स को खा सकता है। एलिफेंट्स सूखे और सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें रात होने तक पानी मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। ये रहा वो वाटर होल जिसके भरोसे ये चल रहे थे, पर यहां इन्हें एक भयानक नजारा दिखाई दिया है। उस तालाब के पास एक अकेले एलिफेंट की लाश जिस पर हाइनाज के एक दूसरे क्लैन ने कब्जा कर रखा है। जब हमारी मेट्रियार्क और उसकी फैमिली यहां पहुंची तो अपने स्ट्रांग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से इसने पहले तालाब का चक्कर लगाया और उसके बाद फैसला किया कि आगे बढ़ना ठीक रहेगा या नहीं। इसे एहसास हुआ कि तालाब पर हाइनाज का कब्जा है। इस गर्मी में सूख चुकी लाश में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, पर फिर भी हाइनाज उसके इर्द गिर्द खड़े हैं मानो अपनी हंटिंग ट्रॉफी पर पहरा दे रहे हों। इन डक्स को हाइनाज की हरकतों से कोई मतलब नहीं और ना ही आसपास की एक्टिविटीज से कुछ लेना देना है। दूसरी तरफ हाइनाज भी दिखावा करते हैं कि उन्हें डक के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश किए बिना पता नहीं चलता, पर यह डक इतनी फुर्तीली है कि इसे बेवकूफ बनाना इस हाइना के बस की बात नहीं है। फीमेल एलिफेंट्स अब भी तालाब से दूर हैं, पर अब पेट्रियार्क आ गया है और यह बहुत प्यासा है। इसने भी डेड बॉडी को सूंघकर खतरे का अंदाजा लगा लिया है। Yeah.
आगे बढ़ते हुए ये अपने पैरों और सूंड से सिचुएशन को चेक करता है। हाइनास की आंखें रात के अंधेरे में देखने के लिए बनी हैं। ताकतवर होने के बावजूद पेट्रियार्क हमला नहीं करेगा और हाइनास हार नहीं मानेंगे। इस हल्की सी डायवर्जन का फायदा उठाते हुए बेबी अपनी मां और बहनों के साथ तेजी से स्वॉम्प की तरफ बढ़ता है। पर इस पानी में एक एलिफेंट का खून घुल चुका है, इसलिए यह पीने लायक नहीं है। फ्रस्ट्रेट हो चुकी मेट्रियार्क गुस्से में शोर मचाती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस खास इलाके के मास्टर्स हाइनास हैं। सुबह पानी के लिए तरसती ये फैमिली एक पेड़ की छाया में शेल्टर लेती है। बेबी एलिफेंट चाहता है कोई उसे प्यार करे, पर गर्मी इतनी ज्यादा है कि उसकी मां और बहनें कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। ये फीमेल्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और स्टार फॉर्मेशन यानी डिफेंस की पोजीशन में खड़ी होती हैं। बेबी बड़े एलिफेंट्स के पैरों के बीच सोने की कोशिश करता है। ये रात होने पर आगे चलेंगे। तब तक जो भी एनर्जी रह गई है उसे सोकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बेबी एलिफेंट ही है जिसमें खेलने के लिए थोड़ी सी एनर्जी बची है, क्योंकि इसकी मां के पास अब भी इसके लिए थोड़ा सा दूध है। पर आज हवा में कुछ है, एक हल्की सी आवाज जो बहुत दूर से आ रही है। मेट्रियार्क इसे पहचानती है। इस वक्त ड्राई सीजन अपने पीक पर है, पर आने वाला है। झुंड के बीच में चल रहे बेबी एलिफेंट को नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है, पर मेट्रियार्क अच्छी तरह जानती है। आखिर बारिश आ गई है। ये खबर जल्दी ही पूरे सवाना में फैल जाती है। अब एक बार फिर यहां साफ और ताजा पानी है। सभी फैमिलीज पहुंच चुकी हैं। अपने झुंड से घिरा बेबी जी भर के और पेट भर के पीता है। अभी इसे ये काम ठीक से नहीं आता, पर इसकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है। काफी दिन प्यासा रहने के बाद एक एलिफेंट एक बार में 200 लीटर तक पी सकता है। अपनी सूंड को ऊपर उठाना इस बात का साइन है कि ये कुछ सूंघ रही है। मेट्रियार्क सेफ है और इसका क्लैन ठीक है।
एक बार फिर इसकी याददाश्त और पक्के इरादे की जीत हुई है। प्यास बुझाने के बाद खुशी में पागल बेबी एलिफेंट कई घंटों तक कीचड़ में रोल करता रहा। ये अकेला नहीं है, आज तो अडल्ट्स भी खुद को इन पलों को एंजॉय करने से नहीं रोक पा रहे। मैट्रियार्क को अपने इस बच्चे पर नाज है। ये इस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है और इसने दिखा दिया है कि ये बहादुर है।